See, इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इस प्रॉब्लम में गिवन है द एंगल बिटवीन साइड्स ऑफ रोम्बस इज रूट टू टाइम्स साइड्स इज मीन ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल्स टू. ठीक है, हमसे एंगल पूछा है. मैं ये एक रोम्बस बना देता हूँ, ये एक रोम्बस है. ठीक है, रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है ये डायगोनल्स है, तो ये डी वन बाई डी टू होगा, ये डी वन बाई डी टू, एंड दिस इज डी टू बाई डी टू, एंड दिस इज डी टू बाय डी टू. ठीक है, और ये होगा 90 डिग्री, ये ए साइड है. हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है ए रूट टू ऑफ ए इज इक्वल्स टू रूट टू टाइम साइड इज इक्वल्स टू मीन ऑफ इट्स डायगोनल दैट इज डी वन बाय डी टू बाय टू. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें डी वन का स्क्वायर बाय फोर प्लस डी टू का स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ से मैं अगर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालू तो मुझे क्या मिलेगी, वो मुझे मिलेगी टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वन का स्क्वायर बाय फोर प्लस डी टू का स्क्वायर बाय फोर प्लस टू टाइम्स डी वन बाय टू इंटू डी टू बाय टू. ठीक है, यहाँ से टू हटा के मैं यहाँ रख दूंगा, ये हो जाएगा बाय एट एंड दिस इज टू से टू कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से मैं डी वन ये वैल्यू उठा ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वन का स्क्वायर बाय फोर प्लस डी टू का स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल्स टू डी वन का स्क्वायर बाय एट प्लस डी टू का स्क्वायर बाय एट इंटू प्लस डी वन डी टू बाय फोर. ठीक है, इसको इन सबको अपन एल एच एस में ले आएंगे, तो एक और डी वन स्क्वायर बाई फोर माइनस डी वन स्क्वायर बाई एट दैट इज डी वन स्क्वायर बाई एट प्लस डी टू स्क्वायर बाई एट, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस डी वन डी टू बाय फोर इज इक्वल्स टू जीरो. इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर माइनस टू डी वन डी टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी वन माइनस डी टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो. दिस इम्प्लाइज डी वन इक्वल्स टू डी टू. ठीक है, अगर रोम्बस में डी वन इक्वल्स टू डी टू हो जाए, डी वन इक्वल्स टू डी टू हो जाए, तो डायगोनल्स रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और अगर रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर में दो साइड्स के बीच का एंगल कितना होता है, वो 90 डिग्री हो जाता है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री.